नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हरियाणा कौशल विकास मिशन रिश्वत कांड मामले में आरोपी IAS विजय दहिया पर अब हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने सख्ती शुरू कर दी है। ACP को दहिया के विदेश भागने का इनपुट मिला है। इसके बाद ACP की टीम ने दहिया का पासपोर्ट जब्त कर लिया। चर्चा ये भी है कि ACP ने कार्रवाई दहिया के चंडीगढ़ स्थित आवास में रेड के दौरान की। हालांकि रेड के दौरान दहिया नहीं मिले। घर पर उनकी पत्नी और परिवार के कुछ अन्य सदस्य ही मौजूद थे। परिजनों ने IAS दहिया का पासपोर्ट जब्त किए जाने की बात से इनकार किया। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट ऑफिस में है, ऑफिस को ACP ने सील किया हुआ है। दहिया के आवास पर रेड करने वाली टीम में ACP के 10 से ज़्यादा सदस्य शामिल थे। घर की छानबीन के बाद ACP की टीम ने उनकी पत्नी और अन्य सदस्यों से पूछताछ की। पूछताछ में उनके परिजनों ने ACP का सहयोग किया। कुछ अहम दस्तावेज पर लिखित कार्रवाई के बाद टीम के सदस्य लगभग 2 घंटे बाद वापस चले गए। HSDM रिश्वत कांड में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट IAS विजय दहिया की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट स्पष्ट आदेश दे चुका है कि दहिया को इस पूरे मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। इसकी वजह यह भी है क्योंकि विभागीय कार्य प्रणाली के बारीक विवरण और बिलों की निकासी प्रक्रिया का पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।